हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्मॉल बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। दोस्तों यार, वैसे तो देखने जाए तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी छोटी सी मशीन के बारे में दिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इस बड़े बिजनेस को केवल 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अगर रियल लाइफ के अंदर हम देखने जाए तो आज के टाइम पर यार पूरे मार्केट की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब चल रही है। ऐसे में अगर यार आप जैसे तैसे करके 1 से लेकर 2 लाख रुपए कहीं से लेकर आते हो और किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हो, और वहाँ पर अगर आपका बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चल पाता तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 2 लाख रुपये तक का नुकसान भी हो सकता है। और दोस्तों, इसीलिए इस चैनल के माध्यम से मेरा केवल एक ही प्रयास होता है कि हम इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो बिजनेस कितने भी बड़े लेवल का क्यों ना हो, पर किस तरह से आप उस बिजनेस को एक छोटे से लेवल से एक छोटी सी मशीन की मदद से स्टार्ट कर सको, उसके बारे में मैं आपके लिए कंप्लीट रिसर्च करके लेकर आता हूँ, ताकि आप भी कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना बड़े से बड़ा बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से स्टार्ट कर सको और यहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमा सको। और दोस्तों, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए और एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिसे स्टार्ट करने के लिए जिस मशीन की आपको ज़रूरत होगी उस मशीन की प्राइस केवल 850 रुपये है, और इस मशीन की मदद से आप इस बिजनेस को बड़ी आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार करने का आपका कॉस्टिंग 15 से लेकर केवल 20 रुपये आएगा, उस प्रोडक्ट को आप अपने कस्टमर को बड़ी आसानी से 100 रुपये तक भी सेल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का ये हम बिजनेस आइडिया देख लेते हैं। उसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो आप किस बिजनेस आइडिया के ऊपर देखना चाहते हो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मेरे को जरूर बताना, ताकि उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार पंचाल और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको आपके मोबाइल में मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पोटैटो चिप्स मेकिंग बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। यार, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैंने ऑलरेडी इस बिजनेस के ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो आपके लिए बना दिया है जो कि हमारी चैनल पर अपलोडेड है, बट यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि जहाँ जब भी हमने वो वीडियो बनाया था तो मैं एक प्लांट के अंदर गया था, वहाँ पर आपको सारी प्रोसेस बताई थी, सारी मशीनरी के बारे में बताया था और पैकेजिंग के बारे में डिटेल्स बताई थी, बट यहाँ पर एक दिक्कत आ रही थी कि उस मशीन और उस रॉ मटेरियल की मदद से अगर आप उस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए का लग जाता है, बट आज के टाइम पर हम सबके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी छोटी सी मशीन दिखाने जा रहा हूँ जिसकी मदद से केवल 1000 रुपये का भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 850 रुपये की आपकी मशीन आ जाएगी, और थोड़ा पैसा आप रॉ मटेरियल के अंदर डाल के आपका ये बिजनेस 1000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको मशीन का लाइव डेमो करके दिखा देता हूँ कि किस तरह आप इस छोटी सी मशीन की मदद से पोटैटो चिप्स मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक कमाल के प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है स्मॉल कैश। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हो तो इसमें आपकी स्मॉल कैश हेल्प कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप सिंगल सिंगल कंपनी के स्टॉक के अलावा स्टॉक का एक पूरा बास्केट आता है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाई हो जाता है, और उसी के साथ में यहाँ पर सारी अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करने का मौका मिल जाता है। अगर इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँ तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक स्मॉल कैश सिलेक्ट करा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो अभी इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 68520 रुपीज से, तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जितनी भी कंपनी है उसी उन सभी कंपनी के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, जिससे आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा और उसी के साथ में आपको सभी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी मिल जाएगा। तो ये मेरा सबसे फेवरेट स्मॉल कैश है। इसके अलावा अगर हम बात करें इक्विटी एंड गोल्ड के बारे में, तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो गोल्ड और इक्विटी के अंदर जितने भी कंपनी के स्टॉक आते हैं उसके अंदर या फिर ETF आते हैं उसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इस तरह के काफ़ी
सारे अलग अलग स्मॉल केसेस आपको smallcase.com की वेबसाइट पर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने आपको डिटेल्स में बताया कि किस तरह आप स्मॉल केस की मदद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कैसे अच्छे से अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हो। बाकी स्मॉल केस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप विजिट कर सकते हो और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये माइको कंपनी का वेफर मेकर आता है, जिसकी मदद से आप आलू चिप्स या फिर पोटैटो चिप्स बना सकते हो। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको मेन पार्ट देखने को मिलेगा। ये है सबसे पहले इसकी प्लेट, जिसके अंदर आपको माइको की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और ये पूरा मेटल का प्लेट आता है। उसी के साथ में अगर हम ब्लेड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्टेनलेस स्टील की पूरी ब्लेड आती है, जो कि काफ़ी सेफ है। इसके अलावा अगर हम बॉक्स से इस मशीन को बाहर निकालने चाहें तो यहाँ पर आप मशीन देख सकते हो, काफ़ी हैवी मशीन है और उसी के साथ में कुछ आपको छोटे छोटे पार्ट्स दिए जाएंगे जिसे हमें असेंबल करना होगा। तो चलिए जल्दी से ये मशीन को मैं असेंबल कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा मशीन रेडी है, इसको यूज़ करना एकदम आसान है। तो इसे किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह इसको घुमाना है, सारी चीज़ें अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अभी इसके लिए सबसे पहले आपको इसे पीछे खींचना होगा और इस दोनों के बीच में आलू डाल देना होगा और इस स्प्रिंग को आपको छोड़ देना होगा। जैसे जैसे स्प्रिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी वेफर्स या फिर आलू चिप्स रेडी होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अच्छे से मशीन को पकड़ना रहेगा और इसको घुमाना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो भी हमारी पोटैटो चिप्स है वो निकलना स्टार्ट हो गई है। इस मशीन की मदद से आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी की और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आलू चिप्स निकाल सकते हो। तो अगर इसकी क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेम साइज की सेम थिकनेस की हमारी आलू चिप्स रेडी है। इसे आप मार्केट में बड़ी आसानी से सेल कर सकते हो। इस मशीन का यूज़ करना एकदम सिंपल और आसान है। तो देखा दोस्तों आपने कितनी बड़ी आसानी से आप इस छोटी सी मशीन की मदद से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस मशीन को आप अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन अमेजोन से मंगवा सकते हो और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी बात कर लेते हैं कि चलिए आपको ये तो पता चल गया कि किस तरह मशीन का यूज करना है और कैसे चिप्स बनानी है। अभी बात आती है कि इसकी मदद से बिजनेस कैसे होगा और किस तरह मैं मार्केट के अंदर अपनी चिप्स को सेल करूंगा। तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन है कि तीन तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट ये है कि आप इस मशीन का यूज करके पोटैटो चिप्स बना सकते हो, उसको सुखा सकते हो और उसको अपने खुद की पैकेजिंग के अंदर पैक कर सकते हो फ्राई करने के बाद, और इस तरह के 10-10 रुपए वाले पैकेट आप मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। इससे आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सेकंड नंबर का आपका ये ऑप्शन रहता है कि आप इस मशीन का यूज करके पोटैटो की चिप्स बना लो, उसको सूखाने रखो और जब भी वो चिप्स सूख जाती है तो यहाँ पर आपको उसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, आप इस रॉ चिप्स को पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पर काफ़ी सारे किराना स्टोर और जनरल स्टोर के अंदर इस तरह की फ्राई करे बिने की चिप्स भी मिल जाती है, जिसे लोगों को खरीदना पसंद रहता है और अपने टाइम पर उसे फ्राई करके वो खा लेते हैं। तो कुछ इस तरह ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। और थर्ड नंबर पर आप लाइव चिप्स बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों आज के टाइम पर हमारे एरिया के अंदर और हमारे इंडिया में काफ़ी सारी जगहों पर लाइव पोटैटो और लाइव बनाना चिप्स बनाई जाती है। तो कुछ इस तरह अगर आप लाइव लोगों को चिप्स बना के सेल करते हो तो इसकी मदद से आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये है वो तीन तरीके जिसकी मदद से आप पोटैटो चिप्स सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अभी बात आ जाती है कि इसके अंदर आपका प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर हमारा मेन फोकस उसके प्रॉफिट के ऊपर रहता है। तो यहाँ पर अगर हम रॉ मटेरियल के बारे में बात करें तो उसके अंदर केवल आपको पोटैटो चाहिए होंगे, यानी कि आलू, और आज के टाइम पर मार्केट के अंदर 20 रुपीज़ केजी में आपको बड़ी आसानी से पोटैटो मिल जाएंगे। तो ऐसे में आप जो 1 किलो आलू से ये चिप्स बनाओगे तो तकरीबन यहाँ पर आपकी 250 ग्राम ही चिप्स निकलेगी। क्योंकि जब भी आलू की आप चिप्स निकालते हो, उसे फ्राई करते हो या फिर उसे सुखा देते हो तो उसका वेट काफ़ी कम हो जाता है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर जो आपके 250 ग्राम चिप्स बनती है उसे आप मार्केट में बड़ी आसानी से 100 से लेकर 150 रुपये तक सेल कर सकते हो। ऐसे में अगर आप 10-10 रुपये वाले पैकेट तैयार करते हो तो वो आपके ज़्यादा रेट में सेल होंगे, और अगर आप लाइव चिप्स सेल करना चाहते हो तो भी वहाँ से आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप आज के टाइम पर पोटैटो चिप्स बना के सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का ये बिजनेस आइडिया आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आपके एक शेयर करने से किसी को एक अच्छा सा बिजनेस आइडिया
मिल सकता है। और ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।